राजस्थान से लोहारू के सिंघानी गांव में बारात में आए तीन युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शादी में मातम पसर गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर लोहारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने मृतकों के परिजनों के बयान पर धारा 174 के इत्तेफाकिया घटना की कार्रवाई दर्ज की। आपको बता दें कि राजस्थान के चुरू जिले के गाँव खबरपुर से बारात लोहारू के सिंघानी में आई थी। तीनों युवक बारात में आए थे। गर्मी अधिक होने के कारण तीनों युवक तालाब में नहाने के लिए उतरे। उन्हें तैरना नहीं आता था, जिस वजह से तीनों डूब गए। मृतकों में कृष्ण पुत्र सुभाष, राहुल पुत्र सतवीर, मंदीप पुत्र ताराचंद गांव खबरपुर जिला चूरू राजस्थान के रहने वाले थे। थाना प्रभारी विद्यानंद से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि राजस्थान के चूरू जिले से खबरपुर गांव से सिंघानी गांव में बारात आई थी और तीनों युवक गांव के खेतों में बने तालाब में नहाने गए थे और तैरना नहीं आता था और डूबने से इनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि तीनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। यह घटना इत्तेफाकिया है। ये गांव सिंघानी में लड़की की शादी थी और ये बारात खबरपुर चूरू राजस्थान से आई थी। इसमें जो तीन लड़के थे वो शादी में शामिल हुए थे। उसके बाद वो नहाने के लिए खेतों में, जो किसानों ने आजकल वाटर टैंक बना रखे, उसमें नहाने गए थे। उसमें पानी ज़्यादा था और उनको अच्छी तरह तैरना नहीं आता था, तो उनके डूबने से उनकी मौत हो गई। अब उनके परिजन कार्रवाई करा रहे हैं। 174 कार्रवाई हम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रहे हैं। विद्यानंद, SHO लोहारू। भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।